खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां बैंक में रुपए जमा कराने आई महिला को बातों में उलझाकर एक ठग ने पासबुक में एंट्री कराने भेजकर 30,000 रुपए ठग ले गया। घटना मुरार थाना क्षेत्र स्थित PNB बैंक की है। घटना का पता उस समय चला जब महिला पासबुक एंट्री कराकर आई तो युवक गायब था। युवक को गायब देखकर पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। 35 वर्षीय अनीता पत्नी अरविंद बघेल बीते रोज PNB बैंक में रुपए जमा कराने के लिए आई थी। वह ATM मशीन से रुपए जमा कराने की लाइन में लगी थी कि तभी उसके पीछे खड़ा युवक उससे बातचीत करने लगा और उससे कहा कि वह रुपए जमा कर देता है जब तक आप पासबुक एंट्री करा ले। उसकी बातों में आकर वह पासबुक एंट्री कराने चली गई और इसी बीच युवक रुपए लेकर गायब हो गया। मामले का पता चलते ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अब ठग को पकड़ने के लिए बैंक में लगे CCTV फुटेज चेक कर रही है। मुरार थाने के CSP ऋषिकेश मीणा का कहना है कि थाने पर आकर एक महिला शिकायत कर बताया है कि वह बैंक में पैसे जमा कराने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान एक ठग उसके पास आया और उसे बातों में उलझाकर उसके पैसे लेकर फरार हो गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बैंक में लगे CCTV चेक कराए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।